हॉकी सिर्फ वर्दी नहीं होती, वो भरोसा होती है लोगों को सुरक्षित रखने का, अपराधियों के सीने में भय पैदा करने का भरोसा होती है खाकी। मगर यहाँ तो विकास दुबे खाकी से खेल रहा था, वो खाकी के मान और सम्मान को रौंद रहा था। बावजूद इसके विकास दुबे की खुशामद में लगे थे खाकी वाले। विकास दुबे ने पुलिस को जो बताया वो यूपी पुलिस के लिए शर्मिंदा करने वाला है। पुलिस रेड करने वाली है, ये बात मुझे पुलिसकर्मियों ने बताई। पुलिसकर्मी लगातार मेरे संपर्क में थे। पुलिस से जानकारी मिलने के बाद मैंने हथियारों के साथ साथियों को बुलाया। सिर्फ चौबेपुर नहीं, आसपास के थानों की पुलिस भी मददगार थी। विनय तिवारी ने बताया था कि सीओ मुझसे नाराज है। लॉकडाउन के दौरान चौबेपुर थाने के पुलिस वालों का मैंने ख्याल रखा। पुलिस वालों को मैं खाना पीना खिलाता था, मदद करता था। गिरफ्तारी के वक्त भी विकास दुबे ने दिखा दिया कि उसका नेटवर्क कैसे पुलिस के नेटवर्क से ज़्यादा तेज और आगे चलता है। पुलिस को विकास दुबे के न सिर्फ मूवमेंट के बारे में जानकारी नहीं थी, बल्कि वो जब सरेंडर करने पहुंचा तो पुलिस यूपी की वहां पहुंच भी नहीं पाई। नतीजा ये कि एमपी की पुलिस ने मौके पर पहुँच करके उसको गिरफ्तार करने का श्रेय ले लिया। अब आगे की पूछताछ में भले ही यूपी पुलिस कितना ही खुलासा कर ले, लेकिन तोते की तरह विकास दुबे जो कुछ भी एमपी पुलिस के सामने रट रहा है, शायद वही बातें बाद में भी दोहराएगा। इन तस्वीरों में विकास दुबे जितना बेचारा दिख रहा है, उससे कई गुना ज्यादा बेचारी हो गई है यूपी की पुलिस। यूपी पुलिस के दामन पर विकास दुबे ने शर्मिंदगी के छींटे मार दिए हैं। 6 दिन की कोशिशों और धरपकड़ के बाद आखिरकार विकास दुबे को एमपी पुलिस ने पकड़ लिया। लेकिन ये नाकामी है यूपी पुलिस की कि वो तमाम कोशिशों, नाकेबंदी और नेटवर्क के बावजूद ऐसा करने में नाकाम रही। अब ये ऐसी एक घटना है जिसका भले ही श्रेय लेने की कोशिश यूपी पुलिस करे, लेकिन इसको सालों साल तक उसकी नाकामी के तौर पर जाना जाएगा। सोचिए ऐसा क्या किया होगा विकास दुबे ने कि उसके सामने वर्दीधारियों ने अपने ईमान को उतार कर टांग दिया। ऐसा क्या किया होगा विकास दुबे ने कि पुलिस वाले उसके अपराध पर सिर्फ आंखें नहीं बंद रखते थे, बल्कि अपराध में उसके हिस्सेदार भी बन गए थे। ये अफसोस की बात है, मगर सच है कि विकास दुबे की मुखबिरी करने के आरोप में चौबेपुर के SHO गिरफ्तार है। चौबेपुर के थाने के ही पीठ प्रभारी के शर्मा गिरफ्तार है। चौबेपुर थाने के सभी 68 पुलिस वाले लाइन हाजिर है। IPS अधिकारी अनंत देव का तबादला STF से PSC में कर दिया गया। चौबेपुर के आसपास के 4-5 थानों के तकरीबन 200 पुलिस वालों पर शक की सुई घूम रही है। आरोप तो यही है कि कानून की हिफाजत करने की कसम खाकर वर्दी पहनने वाले पुलिसकर्मी दरअसल विकास दुबे की नौकरी कर रहे थे, लेकिन अपने माथे पर लगे कलंक को मिटाने के बजाय यूपी पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है। पूरी जांच व्यवस्था में ही झोल इसलिए भी नजर आ रहा है कि जहां से विकास दुबे गिरफ्तार हुआ, उस महाकाल थाने में भी एक रात पहले ही कई बदलाव हुए। क्या हुआ था सुनिए। बुधवार रात 10:30 बजे उज्जैन के DM और SSP मनोज कुमार महाकाल मंदिर पहुंचे थे। कल ही उज्जैन के 8 पुलिसकर्मियों का तबादला हुआ था। कल ही महाकाल थाने के SHO का ट्रांसफर हुआ। महाकाल चौकी इंचार्ज का भी कल ही तबादला हुआ। बहुत संभव है कि यह सामान्य तौर पर किया गया ट्रांसफर हो, लेकिन इसकी टाइमिंग सवाल खड़े करती है। कुल मिलाकर ये समझिए कि विकास दुबे के मामले में पुलिसकर्मियों की सारी कोशिशें, सारे दावे और सारी तैयारियों की चिंदियां उड़ गई हैं।